गाड़ी में, रुक जाओ पापा, पापा 70 में चले गए, रुक जाओ पापा, मर जाएंगे पापा, पापा ये क्या कर रहे हो? सो हेलो गाइज एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइज ऑल आर फाइन। एंड आज हम बहुत जल्दी उठे क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। एज यू नो गाइज, मैंने अपना एक गेमिंग चैनल खोला था डॉक्टर UK07 के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे एक गेमिंग पीसी की जरूरत थी, एंड उस गेमिंग पीसी के जो कॉम्पोनेंट थे वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हो रहे थे क्योंकि एज यू नो लॉकडाउन चल रहा है आजकल, तो जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है वो सारी क्लोज हैं। तो आज हम लोग गेमिंग पीसी के कॉम्पोनेंट लेने देहरादून जाने वाले हैं, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये होने वाला है कि आज हमारे साथ हमारे डैड जाने वाले हैं। अब इसमें नई बात क्या है, इस कहानी में नई बात यह है कि आज हम अपने डैड को अपने साथ अपनी KTM पे राइड करके ले जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे डैड की जो बाइक है उस बाइक में अभी बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। तो मैंने डैड को कहा, मैंने कहा हम दोनों साथ चलते हैं KTM पे। तो गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला आज का दिन। ये मेरे रेगुलर एपिसोड की 3rd सीरीज है और सीरियसली मैं सोया नहीं हूँ 2-3 दिन से। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम ट्राइंग की जल्दी जल्दी 7 व्लॉग्स अपलोड हो जाए। लेकिन आप लोगों से जितना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मतलब एक अलग तरह की मोटिवेशन मिलती है कि इतने सारे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैलेंज को, तो थैंक्स अ लॉट। और हमें भी आपसे उतनी मोहब्बत है। सबसे भयंकर सीन पता है आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है गाइस, कि मेरे पिताजी मेरे साथ आज तक कभी मेरी बाइक पे नहीं बैठे। बाइक में क्या बैठे ये एस्टिमेट करो कि जब वो मेरे साथ स्कूटी में बैठते थे ना, तो मैं जब 40-50 पे स्कूटी भगाता था ना, तो उनकी आंख से आंसू आ जाते थे। एंड ही लिटरली क्राइज यू नो कि इतनी तेज मत चला। तो KTM पे बैठा के ले जाना, मुझे नहीं लगता यू नो कि पापा एकदम रियलाइज भी कर पाएंगे कि आज मैं उनको कितनी स्पीड पे लेके जाने वाला हूं। आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने 2 साल पहले एक ब्लॉग डाला था अपने पापा के साथ राइड का, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा था। और जब से मेरी KTM आई ना, सही में मैं पहली बारी आज अपने डैड को अपनी KTM पे बैठाने वाला हूं। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो फिर अगली राइड में मम्मी की भी करने वाला हूं। सो जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि लॉकडाउन यू नो 4 बजे तक बंद हो जाएगा। सो निकलते हैं क्योंकि मुझे पुलिस वालों के लट्ठे नहीं खाने। सो गाइस, आज का मोटो ब्लॉग एकदम तबाही होने वाला है क्योंकि आज के मोटो ब्लॉग में हम अपने पिताजी को अपनी KTM पे लेके जाने वाले हैं। मुझे ये भी नहीं पता लग रहा है कि यू नो पापा KTM में फिट आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि पापा का पेट बहुत ज्यादा मोटा है। सो पापा ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हेलो सैंडी, सैंडी सैंडी आपका बर्थडे आने वाला है। अरे पापा धीरे ही चलाऊंगा, वो टेंशन ना लो। सो गाइस, पापा वाली बाइक की बैटरी नहीं चल रही है, तो वी आर गोइंग ऑन माय बाइक। और पापा आप आज तक नहीं बैठे ना मेरी बाइक में, बैठ तो जाओगे पीछे पापा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है पापा, इसमें पकड़ने के लिए देखो। हाँ टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता, पहले स्टार्ट बताइए। तो आज पापा मेरे साथ जाने वाले हैं और भयंकर पापा की टोन देख रहे हो मेरे को, बस यही है कि पापा की टोन पीछे वाली गद्दी में फिट आती ही नहीं आती है, क्योंकि पीछे वाली गद्दी KTM की बहुत ज़्यादा ऊपर है। बट स्टिल मौसम एकदम मस्त सुहाना हो रहा है। टाइम ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, हमें 4 बजे तक वापस आना है क्योंकि लॉकडाउन 4 बजे बंद हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है। तो उससे पहले घर आएंगे, नहीं तो फिर लट पड़ेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल तो पापा को बिठाने की है फिलहाल अभी। अरे पापा कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो, आप बैठो। ये वाला टांग यहाँ रखो, हाथ दो ये वाला, आराम से आराम से। यार पकड़ के बैठे पापा, ये वाले पैर ना अंदर दबा के रखना। हाँ। सही। और ये वाले हाथ ना यहाँ पर, ठीक। और यूं गिरना मत बस पापा, पकड़ के रखना, गिरोगे तो फिर दिक्कत। ये थैला। सो गाइस, आई हैव गॉट वन कैमरा यार टू रिकॉर्ड द डैड रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं डैड को KTM पे लेके जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव टू शूट इट। तेज मत चलाना, ये पहले बता रहा हूं। ओके मम्मी बाय बाय। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे डैड मेरे साथ KTM पे बैठ रहे हैं। हां मजा आ रहा है, पर कितनी ही स्पीड चाहिए पापा? 10 की स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग। तो गाइस ये पहली बारी है मेरा डैड मेरे साथ बैठ रहा है, एंड ही इज क्वाइट नर्वस। उनको लगता है कि मैं बहुत तेज चलाता हूं। हां, और एक्चुअली मैं बहुत तेज चलाता हूं। आज दुनिया कुछ दूसरे रंग में नजर आ रही है। कैसा लग रहा है पापा ऊपर बैठकर, कैसा लग रहा है ना आप एरोप्लेन में बैठे? नहीं नहीं, आज ऐसा लग रहा है आज मैं ऊपर खाना है नीचे। पापा बम आगे करो, चलो बस सही, कंफर्टेबल हो ना? ही इज रियली एक्साइटेड यार। लोगों के ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं भयंकर ये लौंडा अपने बूढ़े पिताजी को लेकर के। यार तेरी मम्मी भी बैठ जाएगी। मैं बोल रहा पापा बहुत कंफर्टेबल है KTM। अब सीन यही है गाइस कि हमें ना 4 बजे से पहले वापस आना है, और हमें देहरादून जाना है और वहाँ से सामान लेकर के वापस आना है। प्लस हमें डैड की कुछ दवाइयाँ भी लेनी है, डैड को साइनस की प्रॉब्लम है, प्लस वो कुत्ते के कुछ इंजेक्शन भी होते थे इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट व्लॉग। भाई लोगों के ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना भाई, क्योंकि मैं सही बताऊँ गाइस तो आज के टाइम में कोई भी अपने बूढ़े पिताजी को लेकर के ना अपनी सुपर बाइक में तो नहीं बैठाता, एंड फॉर माई डैड इट्स अ सुपर बाइक, क्योंकि वो इतनी तेज़ नहीं चलाते। फिलहाल हम रनिंग ऑन जस्ट 40, बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मैं स्पीड करूँगा, क्योंकि हमें बहुत जल्दी वापस आना है। और आसमान देख सकते हो, इट विल स्टार्ट
टू रेन सून। मेरे को ऐसा लगता है कि ना मेरे को अपने डैड को एक दिन के लिए ब्लॉगिंग चैनल देना चाहिए अपना, एंड लेट्स सी व्हाट ही व्लॉग्स। फिलहाल गाइस हम लोग जो देहरादून जा रहे हैं, हम लोग देहरादून थाने वाले रेस्टोरेंट जाएंगे क्योंकि मेन हाईवे अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है एंड इट्स नॉट वर्थ इट टू गो फ्रॉम देयर। तुम बचपन से अपने पिताजी के साथ पीछे बैठ के चले हो, लेकिन आज जब तुम अपने पिताजी को अपनी KTM पे लेके जा रहे हो ना, तो यू कैन सी ही स्माइल एंकर ही, उनको इतना प्राउड फील हो रहा है ना अभी कि मेरा, वो कभी बोलेंगे नहीं बट ही नोज कि उनका लॉन्डा उन्हें अपनी बाइक पे लेके जा रहा है। मेरे पापा मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे पीछे से, बोले लेफ्ट राइट। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ ना, तुम्हारे घर वालों के लिए तुम हमेशा छोटे रहोगे। पापा अगर पुलिस वाले रोकेंगे तो क्या बोलूँ, दवाई लेने जा रहे ना, दवाई लेने जा रहे ना, पक्का दिखाएंगे ना। तो गाइस अब हम लोग गेम अप करने वाले हैं, मैं थोड़ा स्पीड अप करने वाला हूँ क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे, हम लोग 4 बजे तक वापस नहीं आने वाले। ओ भाई मुझे पता है मेरे गाल ये बहुत तेज हो गई, धीरे चला। अब 60 चल रहा है, 60 कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो बाबा, 4 बजे तक वापस नहीं आएंगे हम लोग। पर धीरे चल यार, मैं भी गो फॉर द स्पीड। लेकिन अपने आप चलाने में अलग बात है ना। इट्स टाइम फॉर सम लीन गाइस। कुछ नहीं हो रहा है, धीरे चल रहे हम लोग, डांट पड़ रही है। 4 बजे तक आ जाएंगे वापस हम लोग, कोई बात नहीं कल आएंगे वापस। और जरूरी नहीं है कि जाना ही, अगर तू इतनी तेज चलाएगा तो रास्ते में रोक दे भाई, मुझे नहीं जाना। अबे यार शिट, अरे आंसू आ गए भाई, अब तो गाड़ी रोक दे, अब मैं नहीं जा रहा। चलेगा तेज चला रहा हूं तू, 80 और 90 बहुत है भाई, गाड़ी रोक दे, मैं उतर जाऊंगा। अरे बाबा कुछ नहीं होता, क्यों डर रहे हो, आगे कार पड़ा है, पहले 90 पे चला रहा, 90 पे कोई गाड़ी चलती है भाई, ढलान में मैं भी खिसक खिसक के आगे आगे रुक जाए यार, आपको गाड़ी रोक दो, अब मैं अपने आप चला रहा। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। अरे पापा कब, पहले 3 मिनट में हम दे रहा दूर पहुँच गया। आप एक चीज़ बताओ मेरे को, कब तक डरते रहोगे आप, मेरी अपनी बाइक ठीक कर, रुक जाओ मैं घर जा रहा, मेरी अपनी बाइक ठीक कराऊंगा, साले कुमार साहब नहीं आना। आपकी आपकी बाइक पे बैटरी नहीं है बाबा, दवाई लानी नहीं है साइनस की, कल भी लग जाएगी। ओ भाई तू आगे पुल के पास गाड़ी रोक देना। पापा चिढ़ क्यों रहे हो, चिढ़ क्यों रहा हो साले, इस इन मोड़ पे तू 40 और 50 पे चला रहा है। गार्ड को अगर मैं 100 लेके चला गया ना, बजेंगे मेरे ही पर। ओए 200 पे खड़ी है, ओए तेरा मुंह फट गया हवा से। अरे पापा पहुंच गए बस देहरादून। अबे अबे रोक रहे, अब गाड़ी रोक जा तो, अब रोक रहे गाड़ी, मैं कूद जाऊंगा थाने। कूद आप चलाओगे क्या गाड़ी, रोक के वापस चलना, मैं मुझे नहीं लाना सामान, मुझे लाना ही नहीं है पापा, लेट हो जाएंगे। गाड़ी रोक, पानी पीना पहले मुझे, पानी की बोतल कहाँ है, पानी की बॉटल लाई नहीं लाई, मेरे को नहीं पता। अरे पापा जब तक आप 3 बज गए पापा, सच्ची में 3 बज गए। नहीं अब नहीं, अब आज नहीं जाते क्योंकि वहाँ चेकअप भी कराना, सामान वो पैक भी करेगा ना, हर जगह आपको आपको डर के वापस ना। देख एक तो तू 90 पे चल रहा है, दूसरा मैं पीछे बैठा हूँ, मैं जब उस पर चला डर लग रही है, मैं ना ना एक चीज बताओ आपको डर लग रही है क्या। देखो भैया 100 पे चलोगे तो यार डर ही तो लगेगा। आपका पापा को, आप भी तो लॉन्डे थे ना कभी, उस समय ये KTM नहीं होती थी। तो पापा मेरे पे भरोसा, आपका लौंडा आपको नहीं करेगा, एक बार ट्रस्ट करो पापा, सही बता रहा हूँ, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो गाइस हम लोग पापा का डर खत्म करने वाले, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी भर कुछ होने नहीं वाला पापा, सेल पकड़ के बैठो पापा, आपका लौंडा आपको नहीं करेगा, टेंशन मत लो। अब पापा आपको सबसे भयंकर राइड मिलने वाली जिंदगी की, और ट्रस्ट मी यू विल लव इट, भरोसा करो, चिल्लाना मत बस, सही भरोसा ही है, चलो चिल्लाना मत पापा बस।
एंड हियर गोज आवर फर्स्ट लीन गाइस विद माय डैड। फाइनली मजा आ रहा है, मैं चलाऊंगा। अब हम नहीं चला सकते। फाइनली उनका डर खत्म हो गया ना, हैप्पी फोरेंट की मेरे पास चिल्ला रहे पीछे से कि उन्हें मजा आ रहा है। भाई मैं सच में चलाने वाला हूँ। वो शायद सच्ची में क्या? हाँ, तुम्हें भी दिखा सकता हूँ कि मैं शौक से कैसे चलाता हूँ। बस एक छाया में रोक। Guys, ये क्या हो रहा है इस व्लॉग में? पापा पहली बारी KTM पे 110 की स्पीड में। How was your reaction? पापा don't tell me अबे बाइक चलाने वाले हो मेरी। पैर 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 रुको, पैर पैर आगे कर रहा हूँ। गियर इस साइड है पापा, ये रहा गियर और ये स्पीडोमीटर है। यहाँ से ये दिखाएगा स्टैंड ऊपर, ये क्लच उधर, ब्रेक, ये रहा गियर। इसका पहला गियर पापा ऊपर लगता है। आराम से आराम से आराम से आराम से बाइक तो चला रहे पापा। ओ भाई डोंट टेल मी अब। ओ भाई पापा रुक जाओ, ओ पापा रुक जाओ। ओह शिट, यू वोंट बिलीव गाइस, यू वोंट बिलीव, मेरे डैड मेरी KTM चला रहे। मैंने गलती कर दी पापा को 100 पे बिठा करके। फॉक, लेकिन यार कितने धांसू लग रहे पापा KTM पे। मेरे को ही लगा था पापा बाइक चला लोगे। बैठ पीछे बैठ, पीछे बैठ। मैं नहीं बैठ रहा पीछे, पीछे बैठ। अब मैं बताता हूँ 100 की स्पीड में, चल बैठ। अरे कुछ छोटा नहीं है, दिल बड़ा है। गाइस गियर ऊपर ऊपर ऊपर, दूसरा गियर ऊपर, सही। पापा आगे वाला ब्रेक मत मारना, पीछे वाला ब्रेक मारना, ज्यादा तेज मत मारना आगे बढ़ने का। पापा ब्रेक ज्यादा तेज मत मारना, आराम से आराम से आराम से पापा। अब पता चला पापा, गिराना मत पापा, पापा 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 तेज हाथ पे चल रहे हो पापा, रुक जाओ पापा, एकदम से मत छोड़ो पापा, क्लच पापा सही में, रुक जाओ रुक जाओ पापा, पापा 70 पे चले गए, रुक जाओ पापा, मर जाएंगे पापा, पापा मर, सच्ची में मर जाएंगे पापा, सच्ची में चले जाएंगे। ओ भाई मेरी फट रखी पापा, पापा ये क्या कर रहे हो पापा, आराम से पापा, सच्ची में गिर जाएंगे क्या? बचा कर रहे हो पापा जिंदगी के साथ, पापा सच्ची में गिर जाएंगे। बाय गॉड, ओ भाई पापा साथ में चल रहे, रुक जाओ पापा सही में, पापा रुक जाओ पापा, आगे सच्ची में जंप है पापा, ब्रेक ब्रेक पापा आराम से मारो सच्ची में, स्पीड ब्रेकर, ये देखो पापा गड्ढे नहीं निकला गया, मैंने गलती कर दी पापा, आपको बाइक देकर गए पापा, गड्ढा है आगे पापा, सच्ची में गड्ढा, पापा ब्रेक मत मारना, ये रड़ेगी पापा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, सच्ची में दोनों जाएंगे, मेरा तो हेलमेट पहना है पापा, पापा रुक जाओ पापा, सच्ची में पापा दूसरी लाइन पे जा रहे हो पापा, पापा पापा आप दूसरी लाइन पे क्यों भगा रहे हो पापा, रोक दो पापा, सच्ची में पापा, पापा स्पीड में लगा रहे, सच्ची में स्पीड में लगा रहे पापा, मेरी फट रही है पापा, हाथ छोड़ के चलाऊं? नहीं नहीं पापा, हाथ छोड़ के नहीं चलाना पापा, नीचे चलो पापा, सच्ची में हाथ उठ मत छोड़ा पापा, हाथ उठ मत छोड़ा पापा, हाथ कंट्रोल पे रखो पापा, सच्ची में उड़ जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी फिर बहुत बड़ी, लोग देख रहे हैं पापा हमें, पापा आराम से आराम से आराम से पापा, गली है गली है पापा, गली है पापा, प्लीज रुक जाओ, कोई आ जाएगा उड़ जाएंगे पापा, मर जाएंगे मर जाएंगे पापा, पापा घर पहुंचा दो बस, नहीं बैठ रहा पापा आपके साथ आज के बाद। भाई हम जिंदा कैसे वापस आ गए, इसे तो कर पहले, गिर गई, बोल भी रहा हूँ कि उधर से पकड़ो उसे, क्या बताऊँ, मैंने तो आज सोच लिया था, मैंने कहा पापा आपकी तो शादी हो गई, मेरी शादी होनी बाकी है अभी, सच्ची में मैं पापा रोड के उस पार पल्ली पार चला रहे थे मम्मी, आपकी कसम मम्मी, मैं तो मैंने पापा को बोलता है, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं आपको 100 का डर मिटाता हूँ, मैंने पापा को 100 का डर क्या मिटाया, पापा ने तो डर के आगे जीत है, एक दिन तुझे नहीं करते आंसू, आज पापा नहीं करते ना, मेरे सही में आंसू आ गए थे भाई पापा, इसको तो देखो हम जब चलाते तुम्हारे आंसू निकालते, हमने खांसी निकाली, आज के बाद मैंने पापा को कभी गाड़ी नहीं देनी, और पापा बोल रहे मैं अपनी बीवी को मम्मी को
डेट पे लगे, अगली बार जाएंगे, जाओगे हम पापा के साथ? भैया डर लगती है? डर नहीं लगेगी मेरे साथ, डर नहीं लगेगी। अब आप मेरी एवेंजर पे जाओगे, कल जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगी तो एवेंजर पे आप जाओगे, एक दिन का ब्लॉग बनेगा और तुम्हारी मम्मी और मैं हम लोग KTM पे जाएंगे, देहरादून जाएंगे गाइस। और मम्मी सही में पापा जब बाइक चला रहे थे ना तो आंटियां देख रही थी मम्मी पापा को सही में। मुझे पता है मैं गेमिंग पीसी का सामान लेने गया था, कुछ नहीं मिला। मुझे पता नहीं मैं ब्लॉग डालूंगा नहीं डालूंगा, बट कट कट। दिस इज UP07 राइडर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड घर वालों को प्लीज गाड़ी बंद।